सुनवाने जा रही हूँ उस फिल्म को पर्दे पे आने में पूरे 14 इयर्स लगे। जी हाँ, 14 इयर्स लगे। और जो कलाकारा फनकारा थी उनको ये निभाते निभाते रोल इतनी बीमार हो गई थी, सोराइसिस ऑफ लिवर हो गया था, और इतनी खूबसूरती से लोग चाहते थे और कोई नहीं, मैं नाम बाद में बताऊंगी, थोड़ा गैस आप लोग भी कीजिए। उस 14 इयर्स में उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उनके जो हस्बैंड थे वो खूबसूरत प्यार भरा ट्रिब्यूट देना चाहते थे अपनी वाइफ को, और ये करके ये फिल्म यहाँ से शुरू हुई थी 18th of January 1958 को, और हमारे बीच में ये आई है 4th of February 1972 को। जी आपने सही फरमाया, जी हाँ पाकीज़ा। और इतनी खूबसूरती से उस किरदार को निभाने में मीना कुमारी जी ने उस हालत में जैसे उसको जान डाल ली थी, जीवंत बना लिया था। वैसे तो वो बहुत ही लेजेंड कलाकार थी, लेकिन बावजूद इसके पाकीज़ा में जो उन्होंने अपनी अदायगी और पाकीज़गी बताई है उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसी अंदाज को पेश करने के लिए छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत सी, जी हाँ छोटा पैकेज बड़ा धमाका मैं हमेशा उनके लिए इस्तेमाल करती हूँ। उनका नाम है अंकिता जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एक खूबसूरत नगमा आपके सामने। Thank you.
की बंटीलाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बस कमी थी तो एक कथक की, जो कि मीना कुमार जी ने बहुत ही सुंदरता से पेश किया था। अगले कलाकार को मैं जिनको बुलाना चाहूँगी, जिनका कि नाम है अरुण खोसला जी, आप हेमंत कुमार साहब को गाते हैं और बखूबी निभाते हैं। एक खूबसूरत नगमा अपने ज़माने का लेकर आ रहे हैं, इनके ज़माने का नहीं, उनके ज़माने का लेकर आ रहे हैं, और जिसमें उनका साथ निभाएंगी करजोरी जी। वैसे शादी बिल्कुल शतरंज की चाल है, एक बार भी उल्टी चली और शादी में बंद गए। मगर लगता है कुछ ऐसा, आते ही अजीब सी एनर्जी स्टेज पर आती है, आप सब लोग भी ज़रा कुर्सी को पकड़ के बैठेगा। और खेल ज़िंदगी के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार क्या खेल ये जी के जंजाल भी बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मेरी तो हिदायत सभी को ये रहती है, कागज़ की कश्ती पर पार जाने की न सोच, उठते हुए तूफानों को हाथ लगाने की न सोच, ये मोहब्बत बड़ी बेदर्द है, इससे खेल ना कर, मुसीबत हो जहाँ तक दिल को बचाने की सोच। लेकिन लोग बाज नहीं आते, उम्र का तकाजा होता है, जुनून कुछ मोहब्बत का और होता है, और उसमें ये खेल की बाजी खेल जाते हैं। आपके सामने हैं अशोक कामरा जी। छोड़ूंगा सोनी पीछा, मैं छोड़ूंगा सोनी
जेल में